दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शहर में बड़ा हो हल्ला रहता है, इसी को लेकर कुछ चर्चाएं मार्केट में है कि कुछ सुधार होने लग गया है और जो सुधार के पीछे कौन है, आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। मेरे साथ एएसपी चंद्रमोहन जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ट्रैफिक का एक बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे वो राजनीति मुद्दा कहें या आम आदमी की बात कहें। शहर का जो फ्लाईओवर बनाया गया था, इसलिए बनाया था कि जो है ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं हो पा रही। किस तरह से आप कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को समझना होगा कि पानीपत का जो आर्किटेक्चर है वो एक यूनिक है जीटी रोड बेल्ट पे, क्योंकि जो पानीपत शहर है वो जीटी रोड के दोनों साइड स्थित है। तो इस कारण से जो लोगों को आवागमन है दोनों साइड से, इस कारण से अपनी जीटी रोड हमेशा कंजेस्टेड रहती है। जो अपना ओवरब्रिज बना था वो जो था एक एज अ बाईपास बना वो, बट जो शहर के लोगों का आवागमन है वो आज तक मतलब कि उसी जीटी रोड को अभी भी यूज़ करता है। यही एक कंजेशन का कारण भी है। उसके अलावा कुछ हद तक इंक्रोचमेंट का है जिसके लिए हम कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास चल रहा है हमारा और कॉरपोरेशन का। दूसरा, पार्किंग को लेकर जो अभी ओवरब्रिज के नीचे जो टाइलिंग वर्क है दैट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट। अभी प्रशासन के साथ मिलकर उस पार्किंग के विषय में चर्चा करनी है कि इस पार्किंग का कैसे यूज़ किया जाए, कि इसको एक सिस्टमेटिक बना के ताकि इसकी कल को मेंटेनेंस भी हो। इस पर हम चाहते हैं भी ठीक है, इसमें चाहे 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगे, पर इसका एक जो परमानेंट सोल्यूशन एक सिस्टमेटिक तरीके से, नोट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम एन एंगल कि आज एक सिर्फ एक कुछ दिनों के लिए सुधार और बाद में वो चीज़ वो व्यवस्था चरमरा जाए, इसलिए हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन इसका बने, वेल डॉक्यूमेंटेड हो भी ये पार्किंग लॉट जो है इसका इस तरह से यूज़ किया जाए। और उसके बाद में कुछ एक स्टेप्स हमने उठाए हैं, उसके अंदर जो है एक ई चलानिंग सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल रूम का जो है एक दो दिन के अंदर हम उसका भी विमोचन करेंगे, तो उसमें आप लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद हम ई चलानिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं पानीपत के अंदर। उसके अंदर क्या होगा कि जो भी व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ता है, चाहे वहाँ पर हमारा ट्रैफिक वाला आदमी खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, हमने शहर के अंदर सभी मेजर पॉइंट्स पे अपने सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं, तो वो उसी रिकॉर्डिंग के बेस पर विद वीडियो क्लिप हम उस आदमी के घर भेजेंगे भी आपने यहाँ पर ये ट्रैफिक सिग्नल भेजा, ट्रैफिक सिग्नल थोड़ा इसलिए आपका हम चलान काट रहे हैं। उसी के अंदर ऑनलाइन पेमेंट की सिस्टम की ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी उसी में इन्वॉल्व है। एक और स्टेप जो हमने उठाया है वो है जो हमारे यातायात पुलिस के कर्मचारी जो हैं, उनका अक्सर जो जनता के साथ इस बात को लेकर विवाद रहता था कि आप लोग हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हो। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था जिसमें कहते हैं कि आप अभद्र व्यवहार करते हो और लोग कहते हैं कि पुलिस हमसे अभद्र व्यवहार करती है। उसके बाद एक और जो एलिगेशंस लगाए जाते थे वो थे रिश्वत के। इसी से निजात पाने के लिए हमने हमारे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं उनको चलान काटते वक्त उनको हमने बॉडी कैमराज दिए हैं। अभी हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कैमराज हैं जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी मेजर चलानिंग पार्टीज हैं वो सारी चलान काटते समय उनका यूज़ करें। धीरे धीरे ये नंबर हम बढ़ा देंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हर व्यक्ति के पास जिसकी पब्लिक के साथ डीलिंग हो ये कैमरा मौजूद रहे। जो बॉडी कैमरा है ये गुप्त रहेगा, ये लोगों को नहीं दिखेगा, ताकि कल को कोई एलिगेशन लगाए तो हम इस पर आगे चर्चा कर सकें। उसके बाद कुछ सुधार जो हमने किए, जैसे रेलवे रोड जो है उसको हमने वन वे किया है, ताकि उससे भी हमने काफ़ी हद तक देखा कि रेलवे रोड जो है अब उतना कंजेशन नहीं है उस रोड पर जितना कि पहले हुआ करता था। इस तरह के कुछ और स्टेप्स भी अभी माइंड में है, धीरे धीरे वन बाय वन हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी में एक जैसे पुल के नीचे से जो सी कट बनाया गया बस स्टैंड के सामने और भीषण स्वरूप कॉलोनी का जो कट है वो हम बंद करेंगे, ताकि सर्विस लेन जो है वो स्मूथली चलती रहे, बस जो अपना पुल के नीचे जाए, ताकि जीटी रोड कंजेस्टेड ना हो। ये कुछ सुधार हैं। सर, ई चलानिंग की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है, तो इस दौरान क्या करेंगे? पहले आदमी को ट्रेस करेंगे, उसके बाद दूसरा ट्रेस किया जाएगा? देखिए, इसमें क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास डाटा है जिसके नाम वो व्हीकल रजिस्टर्ड है, चलान उसके नाम जाएगा। इससे लोगों में एक ये भी मैसेज आएगा व्हीकल को, अगर वो अपने व्हीकल को बेचते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है जो भी चेंज कराना उसमें करें, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं मेरा लोग अपना व्हीकल तो बेच देते पर अपने नाम रजिस्ट्रेशन उसको चेंज नहीं करवाते। तो इससे ये भी एक सिग्नल जाएगी ताकि चीज़ें जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड और जिस वे में उनको होना चाहिए वो भी हो। इस तरफ भी हमारा इसका ई चलाने का एक मोटिव हमारा ये भी है। दूसरा, ट्रैफिक से रिलेटेड ये सवाल है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे
अभी आपने एक अभियान शुरू किया था कि बुलेट में जो पटाखे बजते हैं उसको रोका जाएगा, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में 3 दिन लोग बैठ के जा रहे हैं और हो हल्ला कर रहे हैं, उसके बारे में कोई अभियान चलाएंगे? देखिए उसमें हमने हफ्ते के दिनों को हमने एक सीक्रेटली मैं उनको डिवाइड करता हूँ, जैसे कुछ एक पर्टिकुलर डेज होते हैं जैसे कि उनमें हम टारगेट करते हैं एल्को से जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस हैं, उसी तरह हफ्ते में 2 दिन हम जो है ये चेंज करते रहते हैं, हम ये 2 दिन उनमें हम टारगेट करते हैं जो अंडर एज के जो बच्चे जो हैं जो कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं उनको हम टारगेट करते हैं। इसी तरह हेलमेट का है अलग अलग डेज में डिवाइड किया ताकि हम एक टारगेटेड अप्रोच के साथ धीरे धीरे सिस्टम मिलाएं। बाकी हमें ई चलानिंग से ये उम्मीद है कि एक बार ई चलानिंग सिस्टम आता तो लोगों को एटलीस्ट ये रहेगा कि कैमराज जो हमें हमें कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं और इससे जो हम लॉ इन्फोर्समेंट है वो एक बेटर तरीके से कर सकते हैं। सर ज़्यादा जाम तो जीटी रोड पे रहता है, हम लोग सचिवालय के सामने से बात कर रहे हैं और पीछे संजय चौक से, वहाँ से ज़्यादा जाम रहता है, वहाँ फौरिक तौर पर आपकी तरफ से क्या प्रयास है? देखिए उसमें जो जैसा कि मेरे को जैसा मैंने एनालाइज किया इसमें भी सर्विस लेन पे एक थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रोचमेंट की दिक्कत है जो जीटी रोड पे मेनली है, वहाँ पे जैसे बैंकों वाला ही ले हम एरिया, बैंकों वाले एरिया में उनके जितने भी एम्प्लॉइज के व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर पार्क रहते हैं, तो इसी को लेकर हम प्रशासन से के साथ हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग है इसी के रिगार्डिंग करना चाहते हैं भी जो ब्रिज के नीचे का जो पार्किंग लॉट है उसको इस तरह से डिवाइड किया जाए भी ताकि जो मेजर जो भी कॉरपोरेशन या जो भी कंपनीज हैं जो जीटी रोड पे हैं चाहे वो बैंक हैं या कोई और बिजनेस फर्म जो भी है जिनके पास एक अच्छे खासे नंबर में एम्प्लॉइज आते हैं उनको एक फिक्स पार्किंग लॉट दिया जाए, साथ ही ये भी इंश्योर किया जाए जो लोग मार्केट में जाना चाहते हैं अपना व्हीकल पार्क करके उनके लिए भी वहाँ पे पार्किंग लॉट हो। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्किंग लॉट को एक अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाए ताकि हमें पार्किंग का भी वो जो है अच्छा स्पेस मिले और लोगों को भी कन्वीनियंस हो, क्योंकि आज अगर हम उनका रॉन्ग पार्किंग के लिए चालान काटते हैं बट हम उनको आज पार्किंग स्पेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसलिए अभी इसमें हमारा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर आज ही मैं उनके चालान वगैरह काटने लगूँ, परंतु ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी है भी हम पहले उनको स्पेस प्रोवाइड करें, अगर फिर भी वो लोग उनको यूज़ नहीं करते तब हम उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, ये हमारा प्रयास है। ई चालानिंग की आप लोग बात कर रहे हैं, ये ई चालानिंग आम पब्लिक पे भी कि आपके विभाग के जितने भी अफसर चलते हैं अधिकारी चलते हैं या कर्मचारी चलते हैं उन पे भी है? देखिए जो मेरे विभाग के कर्मचारी हैं वो इस देश के नागरिक पहले हैं और कर्मचारी बाद में हैं, तो जितना एक नेत सड़क पर चलने वाला आदमी चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरे विभाग का कोई भी कर्मचारी है उसकी ये जो सड़क पे चलने के नियम है जो है ये उनकी सुरक्षा और जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अब ये चीज़ मैटर नहीं करती वो मेरा कर्मचारी चला रहा है कोई और चला रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट से मेरा कर्मचारी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है उतना ही दुर्घटनाग्रस्त एक आम नागरिक जो चल रहा है, तो ये जो जितने भी हम सिस्टम होंगे बिल्कुल हम सभी पे इन्फोर्स है चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी हो या किसी और सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी हो। महिलाओं के खिलाफ भी अभियान चलेगा ऐसे हेलमेट डाल के नहीं चलते हैं कि वहाँ भी मॉरल ड्यूटी कुछ सामने आ जाएगी? नहीं देखिए जी मैं जो है मेरा मानना है कि महिला और पुरुष दोनों एक समान है, दोनों के बराबर राइट्स हैं तो दोनों के बराबर ड्यूटीज़ भी बनती हैं, ठीक है, अगर वो हेलमेट नहीं पहन रही, अब हमने बॉडी कैमराज इसीलिए हमने दिए ताकि अगर कोई महिला को लगता है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम चेकआउट कर सकें, उनको बता सकें कि मैडम देख लीजिए उनकी ये ऑडियो प्लस वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होंगी इन कैमराज में ताकि इस तरह के एलिगेशन जो हम पर लगेंगे अगर कि कोई किसी का दुर्व्यवहार होता है चाहे वो पुलिस पर लगे चाहे वो उनके ऊपर लगे तो उनका निपटारा इसी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग हुआ, तो अब जो होगा खिलाफ कुछ नहीं है चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो जो भी यातायात के नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर जब आप लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं तो एक दबाव भी आपके ऊपर रहता है कि किसी नेता का लड़का ना हो नेता का भतीजा ना निकल जाए, तो कहीं वो दबाव चंद्रमोहन पर रहेगा या फिर अपने जिस कार्य को लेकर चल रहे हैं? देखिए जी इसलिए जो ऑडियो वीडियो जो बना रहा हूँ इनको एज एविडेंस भी रखूँगा ताकि कल को उनके सामने दिखा सकूँ मैं जो भी मुझे फ़ोन करे, फ़ोन वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ से, मैंने अपने यातायात पुलिस के जितने भी कर्मचारी उनको खुली छूट दी है कि आप अपनी नीयत को साफ रखो, जो यातायात पुलिस की जो यातायात के नियमों को तोड़ता आप उनके चालान काटिए, और जब से मैं लगूँ अभी तक मेरे को तो कोई फ़ोन नहीं आया एटलीस्ट। ये जो कैमरे की आप इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे ये पता लग पाएगा कि इस बंदे ने आज आपके डिपार्टमेंट के बंदे ने हरकत की है या सामने वाले ने हरकत की है, वो कितने से कितने बजे तक वो कैमरा ऑन रहेगा? देखिए कैमरे की जो जो बैटरी लाइफ है वो 8 से 9 घंटे है विच इज़ मोर देन सफिशियंट, ठीक है, अभी ये अभी हमारे पास एडिक्वेट नंबर अभी एक एवरेज नंबर ऑफ कैमराज हैं, जैसे ही हमारे पास और कैमराज आते हैं हम इंश्योर करेंगे भी जितने भी हमारे ट्रैफिक वाले हैं सबके पास ये कैमराज हो, इनका हमने एक डाटा बैंक बनाया है
जो कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जो बाबरपुर है वहाँ पर रहेगा। 8 दिन का हम डाटा रखेंगे ताकि 7-8 दिनों तक जिसको भी कोई एलिगेशन लगाना हो या जिसकी भी कोई भी शिकायत हो, कंप्लेंट हो, वो आए उसके सामने जो भी ट्रैफिक एसएच हो, अगर फिर भी वो उनकी जो समस्या है उसका निपटारा करेंगे, अगर फिर भी नहीं होता तो देन आई विल इंटरफेयर। सर, आपके विभाग से संबंधित एक सवाल है कि लोग कम है, कर्मचारी कम है, आपकी इसमें ट्रैफिक में ही कम है, दबाव इतना ज़्यादा रहता है, तनाव में वो लोग रहते हैं, उसके लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मियों को थोड़ी सी राहत मिले? जी देखिए, अभी जो हमने जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, देखिए जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो उनके भी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते हैं, इस पर हमने 2-3 पॉलिसीज़ का मतलब 2-3 पॉलिसीज़ को हमने अडॉप्ट किया। जैसा कि एक किसी एक पर्टिकुलर कर्मचारी को यातायात पुलिस में ज़्यादा समय तक हम नहीं रख रहे, क्योंकि इससे क्या होगा उसकी जो सांस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको प्रदूषण से, क्योंकि हमें उससे ब्यूटी भी लेनी है पर साथ ही उसकी सेहत का ख्याल भी रखना है, वो एक आम इंसान भी है, वो धूप में भी खड़ा है, वो सब कुछ है। इसीलिए हमने ड्यूटीज़ को जो है इस तरह से डिवाइड किया है कि 6-7 घंटे से ज़्यादा किसी एक आदमी की ड्यूटी ना हो, पर वो जब तक खड़ा है वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी इंश्योर करें। इसलिए यातायात पुलिस की जो ड्यूटी उनको हमने थोड़ा सा लाइट रखा है, पर हम ये एक्सपेक्ट उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्यूटीज़ लाइट हैं पर आप जितनी देर करो उतनी देर अपनी एफिशिएंसी के साथ करो। और आपने शायद देखा भी होगा अभी आजकल जो पुलिस कर्मचारी है वो अपनी एटलीस्ट जगह पर ज़रूर होते हैं, उनकी मौजूदगी अगर आम जनता मेरे ख्याल से फील करती भी होगी, मैंने भी फील किया कि जो उनकी प्रेजेंस जो है रोड पर पुलिस की वो बढ़ी है अभी। सर, इससे हटके बात की जाए, ट्रैफिक से हटके क्राइम के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करें, आपके पास एक तो मॉडल रोड का इलाका भी एक इलाका हो रहा है, तो क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि आज जो पानीपत के हालात हो रहे हैं, महिलाएँ सेफ नहीं हैं, घर से लोग सेफ नहीं करके चल रहे, घरों में लोग सेफ नहीं हैं, लूटपाट की घटनाएं, चैन स्नेचिंग की घटनाएं, उसके ऊपर आपके क्या प्रयास हैं? सॉरी, देखिए इसमें जो है अभी जो एक थोड़ा सा दिखने बीच में देखा था कि कुछ घटनाएं बढ़ रही थी, उस पर हमारे एसपी साहब ने फिलहाल ये कदम लिया। अभी हम जितने भी हमारे पुलिस चौकी हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, आपने शायद देखा भी होगा पिछले 3-4 दिनों से हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं एरियाज़ की, जो भी नए लोग आकर रह रहे हैं, जो भी किराएदार है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जिनका वेरिफिकेशन नहीं है पुलिस से, उनका हम डाटा तैयार कर रहे हैं, लोगों से हम फीडबैक ले रहे हैं भी आपके यहाँ पे कोई भी खुर्दा चल रहा हो, भी आपको लगे भी किसी की इंटेलिजेंस है किसी भी पुलिस विभाग से रिलेटेड या कोई भी अन्य विभाग प्रशासन का जो इन चीज़ों से मिला हो, इसलिए हम ये कॉम्बिंग अभियान चला रहे हैं ताकि सारे शहर को कवर किया जा सके ताकि शहर को कवर किया जा सके, जो अनवांटेड एलिमेंट है उनको एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसका निश्चय ही इसका जो आप प्रभाव देखोगे आने वाले दिनों में दिखेगा, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह और लगभग जितने भी क्राइम हुए हैं उनमें आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल आर डिटेक्टेड, सभी लगभग ट्रेस आउट हुए हैं, कुछ एक हैं जिनमें कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर हम उनको वापस मतलब ट्रेस कर ही लेंगे उनको। खुर्दे वाली जब आपने बात करी, खुर्दे के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो थाना है या वहाँ का चौकी है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि पुलिस की सेटिंग से ये सारा काम चल रहा है, तभी वहाँ पर वो खुर्दे बंद नहीं होते, तो अभी जनता से क्या इंश्योर करना चाहेंगे कि अगर जो कोई शिकायत उनके पास आती है तो डायरेक्ट आपसे बातचीत कर सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा इस चीज़ को एनकरेज करता हूँ कि अगर आप दया आपको कोई भी ऐसी एक जनरल जो सोशल न्यूसेंस हो, अगर आपको लगे कि यहाँ पे जो हमारे जो पुलिस थाना वाले हैं चौकी वाले अगर वहाँ पर काम नहीं कर रहे तो आप नॉर्मल चाहे फोटो खींचिए, चाहे कोई वीडियो बनाइए, चाहे आप सिंपल एक मैसेज हमको कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है वो पब्लिकली हैं, आप मैसेज कीजिए, आई ऑलवेज एनकरेज इट कि आपको जैसी शिकायत है, अगर आपको नीचे वाले लेवल पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपको लगता है भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज़ में, तो आप डेफिनेटली आइए, आवर ऑफिस आर ओपन, मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठता हूँ, किसी भी टाइम आप ऑफिस आइए। ये जो वेरिफिकेशन वाला जो आपका काम है ये कुछ दिनों तक रहेगा या ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभियान जो शुरू करते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद दम तोड़ देते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए? नहीं देखिए, अभी ये जो है इस अभियान को हम चाहते हैं भी एक फ्रीक्वेंट लेवल पे होता रहे ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक संदेश जाता रहे भी पुलिस हम पर बार बार जो है हम पर ध्यान रख रही है, हमारे पर नज़र रख रही है, और लोगों में भी एक ये विश्वास भाव आना चाहिए भी पुलिस हमसे पूछने आती है भी कहीं कोई दिक्कत हो, इससे क्रिमिनल भी डरेंगे भी कोई किसी ने हमारी शिकायत की या अगर हमारा कोई भी नाम या पता पुलिस के नोटिस में आता तो वेरीफाई करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे इसको फ्रीक्वेंट लेवल पर हम बार बार इसको करते रहें। सर, छोटी बच्चियों के साथ आपने पीछे देखा कितने क्राइम हुए हैं, उसको लेकर कोई कॉम्बिंग या उसके लिए कुछ टीमें बनाई गई आपकी तरफ? हाँ जी देखिए, बिल्कुल ही इसको लेकर हमारा प्रशासन बहुत ज़्यादा सचेत है, छोटे बच्चियों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर जो आज हम देश में देख रहे हैं भी काफ़ी लोग भी इस चीज़ को फोकस्ड एरिया से मतलब एक फोकस्ड एरिया रहा है हमेशा से, बट अभी इस पर ज़्यादा
और ध्यान दिया है हमने भी। हमने जो कोम्बिंग है इसमें हमने लोगों जो अभिभावक हैं बच्चों के उनसे हमने ये भी कहा इन बच्चों को खुले आप खुला इंद्र से मतलब भी कहीं आसपास जाएं तो किसी की जिम्मेवारी जरूर लगा कर जाएं, इस चीज़ का ध्यान दें जो अनजान व्यक्ति घूम रहे हों। इसमें हमारे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो अनजान व्यक्ति हैं, जो लोग पब्लिकली शराब पी रहे हों उन लोगों का है, हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके, जो उनके पर्चे वगैरह हम बना रहे हैं, पर्चे अनजान जो है, ये सब एक डाटा हम रख रहे हैं ताकि कल को इसे एक तो संदेश उन लोगों के बीच में भी जाएगा, अभी पुलिस हम पर नज़र रखे हुए हैं, साथ ही अभिभावकों में भी एक जो प्रेजेंस जो पुलिस की जो है जैसे जैसे एरिया पे बढ़ेगी उसे क्रिमिनल्स के में भी एक डर बनेगा कि हाँ पुलिस हमें देख रही है। तो रात को लेकर भी कोई आपकी जो पुलिस विभाग है उसको गश्त करने का कुछ ऐसा बना है आपने, कोई मसौदा तैयार किया है? हाँ जी देखिए, एवरी नाइट जो है हमारे एक SO लेवल जो ऑफिसर है DSP या मैं भी हफ्ते में दो दिन निकलता हूँ। रात को हमारी प्रॉपर चेकिंग होती है 11 से 5 तक खुद होता है, और जितनी भी PCR राइडर्स जो हैं उनकी खुद हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं GPS के थ्रू, भी कौन सी गाड़ी कहाँ कितने बजे खड़ी है, क्या उनकी प्रेजेंस है या नहीं है, इस चीज़ के देखिए मॉनिटरिंग के लेवल पर हम कोई भी वो नहीं छोड़ रहे। और आपने कुछ फ़र्क देखा भी होगा, जो प्रेजेंस आपको दिख रही है पुलिस की रात को, मैं भी कहूँगा भी आपको इनकरेज करूँगा भी आप भी देखिए, भी कभी आपको रात को पुलिस मतलब आपको बिल्कुल चौंकना ना मिलेगी इसमें कोई। सर एक पुरानी कहावत चलती आ रही है कि अगर जो पुलिस चाहे तो मंदिरों गुरुद्वारे के बाहर से चप्पल तक नहीं चोरी जाती, तो इस कहावत को मानते हैं आप? देखिए ये कहावत पूरी आपने नहीं बताई वैसे, ठीक है कोशिश हमारी पूरी है, बट एक कुछ एक देखिए एक ही सोसाइटी है, इसमें हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर जो है किसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है बाकी हाँ हमारा जो फोकस है वो प्रिवेंशन की ओर डेफिनेटली है, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि जो पुलिस की प्रेजेंस जो है ऑन द रोड जो है वो बढ़ाई जाए ताकि एक आम जन के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि पुलिस हाँ यहाँ पर खड़ी है, ये हमारी सेवा और सुरक्षा के लिए ही है। सर एक अभियान पहले शुरू किया गया था DGP साहब की तरफ से कि आपके थाने में या आपके चौकी में कोई भी शिकायत लेके आता है तो उनको बड़े प्यार से उन्हें नमस्कार या बड़े प्यार से उनको पहले पानी पिलाया जाएगा फिर उसकी शिकायत ली जाएगी, वो अभियान शुरू हुआ था उसके बाद खत्म हो गया, कुछ आपकी तरफ से कभी प्रयास रहेंगे ट्रैफिक से हटके बात की जा रही है आपसे? देखिए जी जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम कोशिश करते हैं कि जितना हम कर सके जनता के लिए उतना हम करते हैं। रही बात शिकायत की, आई थिंक आज कोई भी व्यक्ति हरियाणा आई थिंक एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी शिकायत व्यक्ति किसी भी लेवल पर लेके आता है, चाहे वो चौकी पे आए चाहे थाने पे आए, इवन कि मेरे ऑफिस में आए किसी भी DSP SP ऑफिस में आए, चाहे इवन कि चाहे ईमेल के थ्रू भेजे हर समय के थ्रू भेजे, हर किसी को एक नंबर एलोकेट किया जाता है। CM साहब ने भी मुख्यमंत्री जी ने भी जो CM विंडो पोर्टल चलाया है, तो इस तरह से मतलब इतने सारे विंडोज़ ओपन किए गए हैं आम पब्लिक के लिए, और विद उनकी जो है उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनका फीडबैक सिस्टम है एक तरह से भी उन पे कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि उसकी हम रिपोर्ट देते हैं भी कोई कंप्लेंट है क्या, उसका निपटारा किया गया क्या, उसको कोई शिकायत है, तो जो है हम ये कोशिश करते हैं बिल्कुल हमारा अथक प्रयास है इसमें कि जो व्यक्ति एक कंप्लेंट लेकर आया है उसका निपटारा किया जाए और उसकी सेटिस्फेक्शन तक किया जाए विद प्रूफ और साइंटिफिक। मैं हमेशा से इस चीज़ को बढ़ावा देता हूँ कि साइंटिफिक एविडेंस जो होता है ना वो कंप्लेनेंट के पक्ष में बोलता है ना वो एक्यूज के पक्ष में बोलता है, वो अपना एक ओपिनियन रखता है, जो एक साइंटिफिक एविडेंस है वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ होती है, जिससे कि ना उसमें आप एलिगेशन हम पर लगा सकते हो भी आपने कुछ ऐसा किया या वैसा किया। तो मैं हमेशा से फोकस करता हूँ और हम अपनी पुलिस फोर्स को भी इसी चीज़ के लिए ट्रेंड कर रहे हैं कि आप जो हैं एविडेंस है वो साइंटिफिक टाइप के कलेक्ट कीजिए ताकि आम जन को ये भरोसा जाए कि पुलिस एक निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। इसलिए हमने एक साइबर के लिए हमने स्पेशल एक टीम्स बनाई हैं, हमने एक स्पेशल क्लासेस चलाई हैं अपने, हमने अपने उन कॉन्स्टेबल्स को उनका एक डाटाबेस बनाया है जो कि ग्रेजुएट हैं, ठीक है जो अभी यंग एज में हैं जो कंप्यूटर की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए जो मेरा पुलिस हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है हम अपने जिला लेवल पर उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उनके लिए हमारी वर्कफोर्स प्रिपेयर रहे उसके लिए। अभी SC ST का जो आपने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उस मामले में, उन्होंने कहा अभी जाँच के बाद जो वैसे मामले जो हैं 306 के मामले भी आपने देखे काफ़ी, और 498 अगर चलो उसका तो महिला सेल बना दिया गया अलग से बना दिया, ऐसे कुछ और मामले होते 302 में भी जब वैसा मर्डर वाले मामले आ जाते हैं तो कईयों के नाम लिखवा देते हैं, तो ऐसा आपकी तरफ से कुछ ऐसा प्रयास रहेगा कि पहले जांच हो इन मामलों की, क्योंकि सुसाइड नोट लिख के जब 306 वो कर देते हैं और बाद में जाता है मधुबन में सुसाइड नोट जब वेरीफाई हो क्या है कि वो तो झूठा था, इतने तो सारे अंदर रहे। इसमें मैं आपको पिछले साल के एक मुकदमे की बात बताऊंगा, पिछले साल सदर में ही एक मुकदमा हुआ था, ये गांजबड़ विलेज का था, ये उसमें सुसाइड नोट में नाम थे विद प्रॉपर एविडेंस
हमने जो सिर्फ गिरफ्तार किया, सिर्फ उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसके खिलाफ चलान हुआ था, जिसके खिलाफ हमें एविडेंस थे। देखिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट तब किया जाता है जब हमारे पास ठोस सबूत हो उस चीज़ के कि हाँ इस आदमी ने चलान किया है, इस आदमी ने जुर्म किया है। ठीक है, और आपको बहुत ही कम या मैं कहूँगा नेग्लिजिबल ऐसे मिलेंगे, एटलीस्ट पानीपत जिले की मैं गारंटी लेता हूँ, जहाँ पे किसी निर्दोष व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया हो विदाउट सबूत के। हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट तभी किया जाए जब हमारे पास उसके ठोस सबूत हो कि उसने हाँ ये जुर्म किया है। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट की वेल लेड आउट गाइडलाइंस हैं इस पे, और उनका प्रॉपर पालन करते हैं। सर, आम आदमी से क्या अपील करना चाहेंगे कि अभी भी झूठे मुकदमे कहीं देखने को मिलते हैं, कुछ बैड एलिमेंट महिलाओं की बात की जाए तो पिछले दिनों में पानीपत में देखने को मिले ब्लैकमेलिंग वाली, तो क्या सीधा पुलिस विभाग या बड़े अधिकारियों या खासकर आपसे मिल सकता है आके कि मेरे खिलाफ ये मामला आ रहा है और झूठा? नहीं, देखिए बिल्कुल, हम यहाँ पर बैठे तो जनता की सेवा के लिए ही बैठे हैं। हमारे ऑफिस हैं, हम डेली यहाँ पे 10 से 6 के 6-7 बजे तक मैं बैठता हूँ, कई बार मैं 8 बजे तक भी बैठा हूँ। आप किसी भी टाइम आइए, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक, आपको कहीं लगे, आपको कंप्लेंट हो कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ, तो हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहती है कि आपको विद प्रूफ दिखाया जाए। विद प्रूफ है, अगर कोई जुर्म करा तो हम विद प्रूफ उसको दिखाएंगे, हाँ भी आपके खिलाफ ये सबूत हैं। ठीक है, बिल्कुल उसको पूरा अवसर दिया जाता है भी आप अपने पक्ष में जो भी रखना चाहते हैं। हाँ, फिर भी अगर लोगों को लगता है कोई किसी तरह की कंप्लेंट है तो हमारे जो दरवाजे बिल्कुल जनता के लिए खुले हैं, वो किसी भी टाइम आए, इसमें कोई डाउट। सर, आखिरी सवाल, हर ऑफिसर का अपना अपना अलग स्टाइल होता है काम करने का, चंद्रमोहन का क्या स्टाइल है काम करने? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोशिश ये रहती है भी जो सिस्टम है कुछ सिस्टमेटिक चेंज लाऊं, ताकि जो वो जो हमारे जो पर्सनल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, उन चीज़ों को अडोप्ट करें, साइंटिफिक एविडेंस हैं, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। ठीक है, साइंटिफिक टेम्परमेंट को हम बढ़ावा दें, और जो आने वाली चुनौतियां जो हैं साइबर क्राइम और ये सब, इनके लिए हम प्रिपेयर रहें। मेरी कोशिश ये भी, मैं हमारी पुलिस जो है जितना हम कर सके अपना बिट उस चीज़ को बढ़ावा देते हुए, मतलब उनकी ट्रेनिंग पे जो आने वाले क्राइम्स हैं उनसे कैसे टैकल किया जाए, इस चीज़ की ट्रेनिंग पे हम खासकर फोकस दे रहे हैं। इसलिए हमने कई तरह की विंग्स भी बनाई हैं, और स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस में उनकी चला भी रहा हूँ, और किस चीज़ों के हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी तैयार किए हैं, ताकि जो केस जो हम चलान कोर्ट में भेजते हैं वो कन्विक्शन हो के वहाँ से आए, ताकि वो केस कोर्ट में जाकर ना गिरे। ये कुछ IOs को है भी, उनकी ट्रेनिंग क्लासेस का भी हम प्रयास कर रहे हैं। बीच में भी हमने एक ट्रेनिंग क्लास का इनके लिए कंडक्ट करवाया था एक NGO की तरफ से, और बीच में मैं और SP साहब भी कुछ ऐसा सोचते रहते थे कि इनको भी एनकरेजमेंट भी मिले और इनका जो नॉलेज लेवल है वो बढ़ता रहे, ताकि जिससे, क्योंकि अगर इनका नॉलेज लेवल अच्छा है तभी ये एक जनता को एक निष्पक्ष जाँच, जिससे कि जनता का भी जो एक निर्दोष आदमी है ताकि वो भी बच सके, और जो जिसने जुर्म किया उसको सजा मिल सके, एक इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकते हैं, सजा मिल सके। जैसा जी चंद्रमोहन जी बता रहे थे, बातों से भी लग रहा है, और शहर में आजकल आप देख ही रहे हो कि ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा सा सुधार जो होना है वो शुरू हो गया है। अभी इन्होंने बताया कि कुछ समय और लगेगा, लेकिन शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उनको स्मूथ कर दी जाएगी। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।